नमस्कार, मैं पूर्णिमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में गुटखा या पान खाकर आने पर पाबंदी भले ही लगा दी है, लेकिन कई सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी इस आदेश को नहीं मान रहे हैं। कुशीनगर में कई सरकारी दफ्तर के कर्मचारी आज भी मुंह में गुटखा लेकर कार्यालयों में बैठे रहते हैं। पान और गुटखा खाने का रियलिटी चेक के दौरान जब जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पहुंचे तो चौंकाने वाला बात सामने आया। दरअसल इस ऑफिस के चपरासी को ना ही स्वच्छता अभियान का जानकारी है और न ही ऑफिस में पान गुटखा खाकर आने पर पाबंदी की जानकारी है। इस ऑफिस के गेट पर ही कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। जब अंदर गए तो सबसे पहले निगाह चपरासी पर पड़ा, जहां एक बाबू के रूम के गेट पर चपरासी खैनिखाते हुए मिले। कैमरे में कैद होते थे कानन फानन में रामाशीष। चपरासी ने खैनी पर्स पर गिराकर पैर से ढक दिया। जब इस संबंध में पूछा गया तो रामाशीष ने बताया कि अभी हमें पान गुटखा पर पाबंदी की जानकारी ही नहीं है। इतना ही नहीं, इस ऑफिस के अंदर पान में गुटखा के पिक देखने को मिले। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि यदि जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस का यह हाल है तो अन्य कार्यालयों का क्या स्थिति होगा। खैर, अभी 2 अक्टूबर के बाद इस आदेश को प्रभावी बनाने की जानकारी होने के कारण अधिकारी और कर्मचारी से नजरअंदाज करने के बाद बता रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ऑफिस में पान का गुटखा खाकर आने पर पाबंदी व मुख्यमंत्री का आदेश का कितना असर होता है और ये आदेश कितने हद तक प्रभावी हो सकता है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। अभी मतलब क्या मानना है, अब तक आपको जानकारी हुई थी कि मतलब कार्यालय में सुरती गुटखा पान ये सब धूम्रपान निषेध है? ये सब हम नहीं खाते हैं। नहीं, पान वगैरह नहीं, जो भी खाते हैं शराब गाजा खैनी खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। अभी आप बना रहे थे? सामने है प्रत्यक्ष रूप। अरे नहीं, वो नहीं है, वो भी नहीं खाना है कार्यालय के अंदर, ये सब तो जानकारी नहीं है। मतलब अब तक नहीं जानते थे, मतलब अब जान जाएंगे ना? अब तो जान जाएंगे, तो हम खाते नहीं है। हाँ, अगर खाते भी होंगे तो इसके बाद से? नहीं नहीं, ये सब खाते ही नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम। कुशीनगर से हमारे संवाददाता गुड्डू कुमार चंदन की खास रिपोर्ट।